गाइस वेलकम बैक माय चैनल मईवाद में आपका फिर से स्वागत है। सो गाइस मैंने अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था मेथी के तेल आपको कैसे लगाना है, और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए वो भी हेयर टिप्स हैं जो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा ग्लो, शाइन, ब्लैक एंड हेयर फॉल भी रोकेगा और आपके हेयर के लिए बहुत बढ़िया होगा। पर गाइस इसको आप कम से कम 2-3 दिन तक ही रख सकते हैं क्योंकि ऑनियन का स्मेल है। ठीक है, ऑनियन ज़्यादा दिन तक नहीं रखेगा। आपके पास अगर फ्रिज अवेलेबल है, आप फ्रिज में रखना चाहते हो तो आप ज़्यादा बना के 1 वीक तक रख सकते हो। अदरवाइज़ जो हम बना रहे हैं आप इसको कम से कम 2 दिन रखिए या 3 दिन से ज़्यादा मत रखिए। तो मैं आज जो बनाने जा रही हूँ, मैंने आपको कहा था पहले वीडियो में कि मेरे मेथी और जो कलौंजी है वो मुझे बाद में चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको रखा था। देखिए ये बचा हुआ चीज़ वो मैं लगा रही हूँ, और ये जार भी आपने देखा होगा, इसमें मैंने अपने ऑयल रखे थे मेथी वाला जो कंप्लीट हो चुका है, जो ख़त्म हो गया है। तो मैं अभी फ़िलहाल दूसरा बना रही हूँ, बदल बदल कर बनाती हूँ ताकि मेरे बाल स्ट्रांग रहें, अच्छे हों। और सब स्पेशली आफ्टर बेबी बेबी बर्थ के बाद बाल गिरने लगते हैं, और जिसका असर मुझ में भी हुआ था वो भी मेरे इसी तरीके से कम हुआ है। तो गाइस मैं आज जो बनाने जा रही हूँ, आप सबको पता है कि ऑनियन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, शाइन के लिए भी और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होता है। और ये जो आपको मैंने बताया था त्वचा और बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं हमेशा बहुत चाहे वो फेस बोले चाहे हेयर बोले, इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में करती हूँ। ठीक है, आज की जो वीडियो है, आज की जो हेयर टिप्स है, मैं फिर से हेयर ऑयल बनाने जा रही हूँ आपके लिए। तो गाइस ये है मेरी कलौंजी, ये है मेथी, आप देख सकते हैं, ये है मिक्सचर जिसमें हम मिक्स करेंगे, ये है ऑनियन जो मैंने काट के रखा, मैंने इस तरह से पतला किया है, आप अगर चाहे तो मोटा भी रख सकते हो, मैंने पतला कर दिया ताकि जल्दी हो जाए। ये खाली जार जिसमें हम ऑयल बना के रखेंगे, ये खाली कटोरा जिसमें हम नारियल तेल देंगे यानी कि कोकोनट ऑयल। ठीक है, इसमें मैंने कुछ अंश तक कोकोनट ऑयल ले लिया है। ओके, और इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी, जो आंवला तेल है मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है इसका स्मेल भी, तो इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी, एंड इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे, एंड इसका इस्तेमाल भी हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल जो इसका इस्तेमाल हम करेंगे वो है इन सारी चीज़ों का, हम इसको क्या कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इन ऑयल को इसमें डालेंगे, इसी मिक्सचर की वो चीज़ें में हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑनियन में हम कोकोनट ऑयल डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो मेथी के पेस्ट हमने लास्ट वीक को बनाया था उसको यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद हम इस कलौंजी को इसमें डालेंगे। ठीक है, आप भी मेरी तरह बदल बदल के लग सकते हो। देखो उसने मैंने मेथी का तेल बनाया था, इसको मैंने इस्तेमाल कर दिया, अभी उसके ख़त्म हो गया तो मैं ये बना रही हूँ क्योंकि ऑनियन भी बालों में पड़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये जो टैबलेट्स हैं जिसे मैं कहा था हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसमें आज मैं सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने आज सिर्फ 2 ही लिया है। अब हमें चाहिए कैंची, तो हमने लिया कैंची, तो कैंची से इसको हम थोड़ा सा काट देंगे यूँ, फिर ये मिक्स्ड हो जाएगा, हमने इसको मिक्स्ड बना दिया। ठीक है, आप ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा ले सकते हो, मेरे पास थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे फेस के लिए चाहिए, क्रीम ख़त्म होने वाला है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ 2 दे रही हूँ। आप चाहें इसको ज़्यादा देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा असर आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का मिश्रण हो गया हमारा, अब हम इन चीज़ों का जो भी हमने मिश्रण किया उसका हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद की जो हम क्या करेंगे उसको आप बाद में बताते हैं, तो ग्लैड से हम मिक्स करके आते हैं। सो गाइस हमारा मिश्रण रेडी है, ये देखिए हम मिश्रण कर लिया है, जो कलौंजी मेथी और ऑनियन और कोकोनट ऑयल का लगाया था हमने, इसका मिश्रण हमारा रेडी है। अब ये देखा आपने, थोड़ा सा आग लगाया, गैस के चूल्हा को जलाया, एक मीडियम लो पे रखा हमने। उसके बाद मैंने जो कहा था ये ऑयल हमें चाहिए, ये ऑयल मैं अभी इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये ऑयल बहुत पसंद है, सो मैं कोकोनट ऑयल के साथ इसको भी मिक्सचर करती हूँ। ये जो हमने चूल्हा पे आग लगाया है अब उसको हम डालेंगे, आग को एकदम धीमी लो पे डाल देंगे, उसके बाद इसको पूरा मिश्रण हम इसको पूरा डाल देंगे, डालने के बाद इसको मिलाएंगे। और जो ऑयल आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, कोई भी ऑयल ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको इस्तेमाल कर इसलिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ, और पूरा इसका मिश्रण दूंगी मैं उसको अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा दूंगी तो मुझे कम से कम 3 दिन के लिए चाहिए है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी, आप कम से कम इसका
पाँच से 10 मिनट तक इसको ऐसे यू हिलाते रहें। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा मिश्रण करूँगी क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा ही निकलेगा। कम से कम मैं इसको 3 दिन तक लगाऊंगी, तो आप इसको अच्छे से इसका मिश्रण बनाइए कि कम से कम 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही भूनते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा स्मेल आ जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा स्मेल आएगा, आप खुद देख सकते हो, स्मेल बहुत बढ़िया आएगा। और ये जो मैं ऑयल लगाती हूँ ना आंवला, वो मुझे बहुत एक्चुअली उसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है, सो मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ और इसका स्मेल बहुत अलग आता है। तो आप कोकोनट भी लेंगे ना तो उसमें कोई बात नहीं, कोकोनट को आप जो लगाते हो आप उसको पूरा तेल उसी के इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑयल रेडी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ओके गाइस, ये देखिए पूरा फुल चुका है, रेडी है हमारा ऑयल, सारी चीज़ों का मिश्रण अच्छे से बन गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ओके सो गाइस, देख सकते हैं ये मिश्रण बनाने के बाद हम क्या करेंगे। इसको एक छोटे से एक सूती यानी कि कॉटन का कपड़ा लीजिए और कॉटन के कपड़े में इसको अच्छे से डालिए और अच्छे से सारे को निकाल दीजिए। ठीक है, आपको ना मैं इतना बता सकती हूँ, इसको ऐसे बनाने के बाद आपका ना ऑनियन का स्मेल भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं आप बना के इसको कम से कम बाद में रख सकते हो, फिर भी मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं कम से कम 3 दिन का बनाती हूँ, फिर मैं चेंज करके अच्छे अच्छे चीज़ों का तेल बनाती रहती हूँ हेयर के लिए। ठीक है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ आपको। तो ये आप पूरा उसका मिश्रण उतार लीजिए, पूरा कटोरा में ले लीजिए, उसके बाद आप यू पूरा मिश्रण निकालते जाइए, पूरा छान लीजिए उसको, पूरा ऑयल को निकालना है आपको, थोड़ा सा भी कम मत छोड़िए क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे मिश्रण है। ठीक है, तो ये पूरा आप निकाल लेंगे गाइस अच्छे से। ठीक है, पूरे अच्छे से इसको निकाल लीजिए। हालांकि मैं जब भी बनाती हूँ इसी कपड़े से बनाती हूँ, ये बेचारा तंग आ चुका है मुझसे कि और कितने दिन तक मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, मैंने पूरा तेल को जो है वो मैंने निकाल लिया, मैंने पूरे तेल को ले लिया, देख सकते कितना सुंदर है। देखा, लग रहा है कि इसमें ऑनियन तो इतना सारा कुछ था नहीं लग रहा है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे ताकि हमारे बाल और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा सुंदर लगे, कि जेल एलोवेरा जेल तो हम फेस के लिए भी लगाते हैं और एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत अच्छा, हम उसमें थोड़ा सा मिश्रण कर देंगे ताकि स्मेल बहुत अच्छा बने और एलोवेरा बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप अच्छे से जानते हो। तो इसका भी मिश्रण हमने कर दिया। उसके बाद फाइनली जो सेराम है, मैं हमेशा सेराम बालों पे लगाती हूँ, तो ये सेराम को मैं थोड़ा सेराम का थोड़ा सा हिस्सा मैं इसमें मिश्रण कर दूँगी। गाइस, मैं इस तेल का क्या करती हूँ हमेशा बालों पे लगा के नहाने से पहले भी, मैं 5 मिनट पहले भी इसको लगाती हूँ, लगा के फिर शैम्पू करती हूँ। आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हो। इस ऑयल को बनाने के बाद गाइस आप अच्छे से उसका मैसेज कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए, और आपको अच्छे से पता है कि ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है। सो गाइस, ये हमारी ऑयल जो है वो रेडी है, इसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होते ही इसको मैं इसी पे रख दूँगी, आप भी ऐसे ही रख दीजिए। मेरा ठंडा लगभग हो गया है और मैं अब इसको रख दूँगी, और रखने के बाद थोड़ा सा खुला छोड़ दूँगी और थोड़ी देर बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। ओके गाइस, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा। सो गाइस, अगर आपका ये ऑयल अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसे ही और वीडियोस के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, हम ऐसे ही और नए नए तरीके और नए नए ट्रिक्स आपके साथ लेकर आएंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।